नमस्कार दोस्तों, आप कैसी हैं। कल HSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। उसका क्वेश्चन पेपर वह उसके आंसर आपको मैं बताता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले, और आप नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे इसमें काफ़ी समय लग गया, और इसके सभी आंसर मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पर है, कार्यपालक विभाग विभाग का नेतृत्व द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है कार्यपालक विभाग का नेतृत्व। और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नहीं तो आपकी ये वीडियो लंबी हो जाएगी। विराम व्यवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति है, इसमें 15-18। निम्नलिखित रंध्रों के कार्य है गैसों का विनिमय, और चौथे में आएगा तमिलनाडु, पाँचवें में बी आएगा, और छठे में आप यहाँ पर देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नई नई तकनीकी इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। और इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी वीडियो को पॉज कर कर आपको मैं दिखा देता हूँ। और 7th क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, LED के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इसमें आएगा उनमें पारा होता है, वे कम विद्युत की खपत करती है क्योंकि वे यंत्र कम ऊष्मा उत्पन्न करती है, ये कम अत्यंत कम ऊष्मा। और महिला पुलिस व सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, इसमें पानीपत आएगा, और 9वें में आपका 57 आएगा। और यहाँ पर 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, कैप्टन हेडसन के द्वारा। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। श्रृंखला 1, 8, 64, 125, 216 में लुप्त संख्या ज्ञात करें, इसमें 27 आएगा। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जानलेवा नृत्य कौन सा है, लूर नृत्य। और बारहवें के बाद यहाँ पर 13वां, दोस्तों मैंने यहाँ पर 13वें का को आंसर नहीं मिला, 13वें, 14वें और 15वें और 16वें, 17वें का आंसर नहीं मिला दोस्तों, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको भी ना मिले तो कमेंट में बता देना, उनका आंसर मैं डाल दूँगा। फिर हम 18वें का क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको, आप यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दोस्तों इसका आंसर निकालने में मेरे को काफ़ी समय लग गया। इसका आंसर आएगा दोस्तों डी आएगा इसका आंसर, एक बार मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, डी आएगा इसका। हरियाणा में 2017-18 को जिले हैं, कितने जिले हैं यहाँ पर, ये बताया गया है यहाँ पर 22 जिले हैं। निम्नलिखित तंत्रिका का एक भाग नहीं है, इसमें आएगा दोस्तों, इसमें ए आएगा संग्रहण वायु का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त चुनिए, इसमें आएगा दोस्तों 21वें में आएगा डी आएगा। और 23 में कपितवज का दूसरा नाम क्या है, 22वें में आएगा दोस्तों सी आएगा। एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम कहलाता है, दोस्तों इसमें आएगा, इसमें डी आएगा। और 22वें में सी था, 23वें में डी है, 24वें में दोस्तों वह शब्द याद करें जो दिए गए अन्य तीनों में से भिन्न है, 24वें में दोस्तों आएगा सी आएगा, पाकिस्तान। और आपको इंग्लिश में और दिखा देता हूँ मैं। और दोस्तों इस वीडियो व इनके आंसर ढूंढने में मेरे को काफ़ी समय लगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपको मैं 24वें के बाद 25वां दिखा देता हूँ, इसमें बीच बीच में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 25वें में आएगा दोस्तों। अल्ताफ हुसैन हाली के लिए प्रसिद्ध है, 25वें में आएगा दोस्तों सी कविता। दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, दो पच्चम पच बाघ प्राप्त करने की प्रेरता है, इसमें 26वें में आएगा दोस्तों डी। डोंगरी की एक सहायक नदी है, डोंगरी की 27वें में सी आएगा दोस्तों, और 28वें में दोस्तों डी आएगा, 29 में दोस्तों सी आएगा, और 30 में ए आएगा दोस्तों।
31 में भी ए आएगा और 32 में भी डी आएगा दोस्तों। और इंग्लिश में और दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, और 32 में के बाद 33 में, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 33 में, 33 में है, निम्नलिखित में से कौन से सामान पर जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर द्वारा 0% प्रभावित है। इस पर 33 में आएगा दोस्तों, इसमें ए आएगा। और 34 में आएगा दोस्तों, सी आएगा 34 में। ब्राज़ील निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है। ब्राज़ील में 35 में आएगा दोस्तों, सी 35 में भी आएगा दोस्तों। जमींदार जागीरदारों का औरत है जमींदार, वो 36 में आएगा दोस्तों, डी आएगा 36 में। और 37 में आएगा दोस्तों ए। 38 में भी 13, 38 में 13 आएगा दोस्तों। और आपको इंग्लिश में और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और 39 में भी, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान कहलाता है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी आएगा दोस्तों। संविधान संशोधन दोस्तों, 1 मिनट, 40 में का मैंने, हाँ 40 में का भी आएगा दोस्तों यहाँ पर। और 41 में का दोस्तों, 1 मिनट, इकतालीस में का दोस्तों भी आएगा, 41 में का भी, 42 में का दोस्तों, 42 में 0 आएगा। और 43 में डी आएगा दोस्तों, 43 में। और 44 में का बता देता हूँ मैं आपको, 44। और दोस्तों किसी के आंसर पेपर थोड़े डिफरेंस मिलते हैं इसमें, वो एक नंबर पर है उस वाले में लास्ट में, किसी में 7th में, किसी में 12th में, ऐसे थोड़ा सा सभी के है तो क्वेश्चन एक ऐसे अलग अलग दिए गए हैं, आप यहाँ पर मिला सकते हैं अपने। जब 44 में जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार है। इसमें 44 में आएगा दोस्तों, इसमें इसमें कन्फर्म नहीं है दोस्तों, आप आपको बाद में बता सकता हूँ मैं इसका आंसर, इसलिए कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म कन्फर्म है वही बता देता हूँ आपको। जो 45 में देख लेते हैं, हरियाणा विधान सभा में है, 45 में आएगा दोस्तों, ये सी आएगा, निशान लगाकर बता देता हूँ आपको। और निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक और सरकार के अन्य रूपों के बीच सही अंतर है। 46 में इसका भी कन्फर्म नहीं है दोस्तों, इसका भी मैं बाद में बता देता हूँ, आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना दोस्तों। और 47 में का आपको इसका भी आएगा दोस्तों, 47 में का 10, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, अनुरक्षक ने 15 शेर और 50 टांगे गिनी है, शेरों की संख्या है, सभी मृत होते हैं। इसमें 48 में आएगा दोस्तों, भी आएगा इसमें। और 49 में दोस्तों, इसमें आपका 0 आएगा, सी मतलब। और 50 का और बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका 50वां। पचास में आएगा दोस्तों बी, आपको सही से दिखा देता हूँ मैं 50 में का क्या है, सोडियम कार्बन, 1 मिनट दोस्तों, ये सही आएगा कि इसका, हाँ बी है दोस्तों इसका 50 में का। और 91 का आएगा दोस्तों, सी आएगा 91 का। कुछ जनपदों का योजन कहलाता है गण। और 52 का आएगा दोस्तों, डी आएगा 52 का। और अगले का दोस्तों ए आएगा, उससे चुमन का आएगा दोस्तों,
डी आएगा चुमन का भी, पिचपन का और बता देता हूँ आपको। पिचपन का आपको दोस्तों, पिचपन का बी आएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आए तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और छप्पन में देख सकते हैं दोस्तों आप, बी आएगा। सत्तावन में आप देखते हैं, यदि 1 अक्टूबर सोमवार है तो 11 अक्टूबर को होगा, क्या होगा, इसमें गुरुवार आएगा। और हिमालय पर्वत और इसकी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही को चुनें, इसमें दोस्तों ठोन में आएगा डी। उनसठ में आएगा दोस्तों बी। साठ में आएगा दोस्तों डी। इकसठ में आएगा दोस्तों ए। और आपका 62 में दिखा देता हूँ दोस्तों मैं, एक मिनट। ये रहा 62 में, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 गण आसन एक साथ जोड़े गए हैं तो परिणामी ठोस काश पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आएगा दोस्तों 62 में आएगा सी आएगा दोस्तों, इसमें अगले में भी सी आएगा दोस्तों, 64 में भी सी, एक में दोस्तों इसमें भी जीरो आएगा दोस्तों, जीरो जीरो या सी आएगा इनमें से एक है दोस्तों, 65 में भी सी आएगा, 66 में भी डी आएगा दोस्तों, 67 में एक मिनट दोस्तों, अगले में दोस्तों बी आएगा इसमें भी, 68 में दोस्तों इसमें भी बी आएगा, 68 में ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आएगा बी आएगा दोस्तों इसमें, और अगले वाले में भी ये आएगा, नहीं दोस्तों एक मिनट गलत हो गया, इसमें इसमें आएगा ए आएगा इसमें दोस्तों, और इसमें आएगा इसमें बी आएगा, और 71 में सी आएगा। बेहतर में आएगा दोस्तों सी आएगा बेहतर में भी, और इसमें आएगा दोस्तों 73 में आएगा डी, 74 में भी सी, 75 में डी, 76 में बी, 77 में बी, 78 में सी, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, से आपको कोई भी तकलीफ भी नहीं आएगी। और माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो इस वाक्य को क्रम वाच्य में लिखिए, इसका आएगा दोस्तों, इसका आएगा दोस्तों सी आएगा इसका। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है, इसमें आएगा दोस्तों 80 में आएगा ये तत्पुरुष, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है, इसमें दोस्तों सी आएगा ये अतिशयोक्ति होता है। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है, इसमें 82 में आएगा दोस्तों बी। तिरासी में आएगा दोस्तों ए आएगा, 83 में डूबते को तिनके का सारा मुहावरे का अर्थ क्या है, निराशा में आशा की झलक, 84 में आएगा दोस्तों बी आएगा, 84 में मेरी बहन स्कूल में आई है, इस वाक्य की आई पद का परिचय लिखी है। 90 क्वेश्चन है पूरे। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा, इसमें बता देता हूँ दोस्तों आपको,
85वीं में आएगा ए आएगा दोस्तों, 86 में आपका ए आएगा, 87 में आपका ई, 88 में डी, 79 में सी, 90 में डी। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।